बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमाइन दहम हम लोग होम इकोनॉमिक्स कर रहे थे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 से 15 तक और चैप्टर नंबर बाग नंबर 9 से 14 तक के आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो करवाए जा चुके हैं। तो अब हम आपको बाग नंबर 15 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे। बाग नंबर 15, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्ट, ये आपका आखिरी चैप्टर है। मुझसे सवालात के जवाब दीजिए। तो इसके मुझसे सवालात जो हैं, ये क्लास 2 मुझसे सवालात हैं इसके। तो इसके जो हैं ये मुझसे सवालात हम लोग करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल है, लिबास को डिज़ाइन करते वक्त किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? तो लिबास को डिज़ाइन करते वक्त मंदरजा ज़ैल बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मौका महल, नंबर 2, कपड़ों का इंतखाब, नंबर 3, रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब, नंबर 4, शख्सियत, नंबर 5, समाजी हालात, नंबर 6, मौसम और आबोहवा। जी क्लास, लिबास को डिज़ाइन करते वक्त किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? लिबास को डिज़ाइन करते वक्त मंदरजा ज़ैल बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मौका महल, नंबर 2, कपड़ों का इंतखाब, रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब, नंबर 4, शख्सियत, नंबर 5, समाजी हालात और नंबर 6, मौसम और आबोहवा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2, माहौल में आर्ट का इस्तेमाल क्यों कर किया जा सकता है? इसका जवाब, घर और इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने घरों में आराइश कर सकते हैं, हम अपने घरों में आराइश कर सकते हैं, बगीचे में सब्ज घास खूबसूरत रंगों वाले फूल और मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त उगाए जा सकते हैं। ना सिर्फ घर बल्कि सड़कों और बाज़ारों को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है।
खूबसूरत माहौल ज़हन और निकाह को तस्कीन देता है। माहौल में आर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है? घर और इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने घरों में आराइश कर सकते हैं, यानी कि उन्हें सजा सकते हैं। बगीचे में सब्ज घास, खूबसूरत रंगों वाले फूलों, मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त उगाए जा सकते हैं और ना सिर्फ घर बल्कि सड़कों और बाज़ारों को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। खूबसूरत माहौल जहन और निगाह को तस्कीन देता है। तो क्लास ये थे आपके बाब नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मुकम्मल हो चुके हैं और पूरा जो होम इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं, उसके शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।